गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर? सौरभ, गोविंद, अनुज, अनीता, ममता, ओप्पो, ओप्पो, ओप्पो F17, नाम ओप्पो F17 प्रो। हेमा, आशा, राजरानी, अनिल, रौनक, सुमित, वॉइस आ तो रही है भाई, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही रेडमी। सत्यजीत, देवेन, इरफान, जयप्रकाश, कोमल, राफिया, रेडमी Y2, तुम लोग अपना नाम ना चेंज करोगे कभी, है ना। प्रीति, राम जी लाल, ओप्पो F17 तुम राम जी लाल हो, ओके ठीक। स्टार्ट करिए सर जी। सर वॉइस नहीं आ रही है। अरे भाई वॉइस आ रही है, अपना नेटवर्क नहीं चेक करते हो, बस केवल वॉइस नहीं आ रही। चलो देखो, इसमें जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें की थी, आई होप कि रिवाइज किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम एक पहला रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, और बीच में हमने देखा कि एक और गवर्नर बन के आया है वेंसी टार्ट और कर्टियर, 69 से 72 तक कर्टियर रहा है। अब इसके बाद कौन आएगा? कबाब कौन खाएगा माउंटेन ड्यू के साथ? राजगोपालाचारी कौन है भैया ये है? ममता विश्वकर्मा, माउंटेन ड्यू के साथ तुम कबाब खिला रहे हो है? कुछ भी करते हो तुम लोग यार। तो अगला जो गवर्नर है उसके बारे में देखते हैं, शुरू करो। नेक्स्ट हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्लाइव है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कब से कब तक रहेगा? तो देखो 72 में कर्टियर 72 तक है, 69 से 72। चलिए अब ये कब से कब रहेगा, ये दो बार बनेगा। एक बार ये रहेगा 1772, ठीक है, 1772 में बन जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे 1773 से 1785, अरे देखो भाई ट्रिक की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। जो राहुल पहले समझ तो लो कि उनके कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या क्या काम किए हैं, ट्रिक बाद में बता देंगे कि कैसे याद करना है। खाली नाम याद करके क्या करोगे जब क्वेश्चन ही नहीं बना पाओगे? बहादुरी इसमें नहीं है ना कि सर हम ट्रिक बता दें, बहादुरी इसमें कि हम तुम्हें ये बताएं कि जिससे क्वेश्चन बने, समझ रहे हो। हम खुश करने के लिए थोड़े ना पढ़ा रहे हैं कि ट्रिक बता के तुम्हें खुश कर दें, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन बने, है ना।
ऐसे ऐसे मैं भगा दूंगा क्लास से। प्रेजेंट में गवर्नर चेंज हुए हैं। अबे हम तुम कौन सा गवर्नर पढ़ा रहे हैं, तुम कौन से गवर्नर की बात कर रहे हो? हम तुम्हें अंग्रेजों के समय के गवर्नर पढ़ा रहे हैं, कह रहा है सर कुछ गवर्नर चेंज हो गए हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे। देखो वॉरेन हेस्टिंग का मतलब है 1772, एक ये डेट आपकी रहेगी जब ये बनेगा गवर्नर, और एक है आपका जब 1773 से 85। देखो दोनों चीज क्यों है, क्योंकि ये अंतिम बंगाल का गवर्नर रहेगा और 73 में ये गवर्नर जनरल बन जाएगा, इसलिए दो डेट हम कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 72 तक ये जब बनेगा तो ये गवर्नर रहेगा, तो हम बोलेंगे कैसे, बंगाल का अंतिम गवर्नर ये बनेगा। तो 72 में ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बन जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो अंतिम कौन बना है बंगाल का अंतिम गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग। और 72 में ये बन गया है। एक पॉइंट इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, ध्यान रखिएगा इसको। शुरू किसने किया था? शुरू क्लाइव ने किया था, लेकिन द्वैत शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने बनते ही गवर्नर इसको खत्म कर दिया, ये ध्यान रखना है। किसने द्वैत शासन को खत्म कर दिया? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1772 में प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो ये जो स्थापना का श्रेय जाता है वो इसी को जाता है। ये जो पॉइंट बता रहे हैं यही ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन ही होते हैं, ये किसने शुरू किया, किसके समय में ये चीज की गई, यही क्वेश्चन बनता है। तो 72 में इसने फौजदारी तथा दीवानी, अच्छा आज के डेट में इसको क्या बोलते हैं पता है, ये उस समय का नाम है फौजदारी और दीवानी, आज के डेट में इस न्यायालय को कुछ और बोलते हैं। तो आज के डेट में समझ लो इसे क्या कहा जाता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा कि अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो इसने शुरू किया था फौजदारी तथा दीवानी अदालत, आज के डेट में इसको जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है। तो आपको फौजदारी दीवानी अदालत न मिलकर के ये जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, इसमें चीजें सुनी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आज की डेट में इसको क्या बोला जाता है, दीवानी और फौजदारी क्या होता है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, जब कोई लड़ाई झगड़ा कर लोगे फौजदार फौजदारी होगा ना, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होगा। दीवानी मतलब कुछ संपत्ति वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो ये न्याय की व्यवस्था इसमें, देखो ये तब ये काम कर रहा है, ये तब काम कर रहा है जब ये गवर्नर है। अब ये गवर्नर जनरल नहीं बना है, ये काम इसके तब हो रहे हैं जब ये गवर्नर बना है। अब ये गवर्नर जनरल बनेगा 73 में, जो अगला साल आएगा तब ये 73 बनेगा। तब हम लोग किस तरह से कहेंगे, 1773 से 1785 तक का कार्यकाल देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है, और इतना भी पढ़ लोगे तो तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
1773 से 1785 तक का कार्यकाल अब ये देखिएगा। गुड आफ्टरनून सर, बहुत जल्दी जग गए भाई, ऐसे सब गजब गजब होगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या हुआ। अब ये गवर्नर जनरल बन जाएगा, अभी तक ये गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल बन जाएगा। सत्रह सौ तिहत्तर के पहले रेगुलेटिंग एक्ट से एक एक्ट पास किया गया था 1773 में, जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में हम अभी समझा देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो एक पॉइंट हम बता देते हैं, फिर हम समझा देंगे। पहले इसको लिख लेना, फिर हम समझाते हैं क्या है। बंगाल के गवर्नर को मद्रास एवं बंबई के गवर्नर का हेड बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, लिखो, फिर हम समझा रहे हैं। आज मेरी पहली क्लास है सर, धन्यवाद आपके लिए, कांग्रेचुलेशन जिनकी पहली क्लास है। लड्डू वड्डू दे तुम्हें, हाँ? चलिए देखते हैं। तो 1773 का फॉर्मिंग सिस्टम क्या है, कहाँ से तुम्हारा फॉर्मिंग सिस्टम आ गया? अब तुम लोग के मैसेज पढ़ने बंद कर देंगे, तुम लोग कुछ भी करने लगते हो बीच में। जहां जितनी जरूरत पड़ेगी वहां उसके डिस्कशन होगा। अभी हम केवल गवर्नर और गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो बातें होंगी केवल उसके बारे में डिस्कशन, बस। सारे टॉपिक एक जगह नहीं पढ़ाए जा सकते। तो 1773 से 1785 तक का जो कार्यकाल है, इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, देखिए था क्या, तीन मेन जगह थी जहां के गवर्नर बनाए गए थे। एक मद्रास, एक बंबई और एक था बंगाल। तो इन तीनों जगहों पे गवर्नर नियुक्त होते थे, ठीक है, जिनका कंट्रोल बंगाल वाला ही मेन देखा। पहले तो ये लोग अलग अलग थे कि सब लोग के पास अपने अपने अधिकार थे, लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, तो इस एक्ट ने एक चीज चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? कि जो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, उन दोनों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। मतलब मेन जो अब हो गया वो बंगाल का गवर्नर हो गया, समझिए। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन हो गया वो। अब क्योंकि आप उसी पोस्ट पर रख करके ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि गवर्नर वो भी कहे जा रहे थे, बंबई वाला भी, मद्रास वाला भी, और उनके ऊपर आपने एक और रख दिया था गवर्नर, तो उन्होंने कहा कि हम एक पद चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को चेंज करके एक नया पद दे दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जिससे ये समझ में आ जाए कि जो बंगाल में बैठेगा वो गवर्नर जनरल होगा और जो बंबई में होगा वो गवर्नर होगा,
मद्रास में जो होगा वो गवर्नर होगा, तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो इस गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। ये इसलिए किया गया था, इसलिए ये पद आया। तो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को हटा करके बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, समझ रहे पॉइंट। तो तीन मेन जगहों पे ये चीजें चल रही थी, मद्रास, बंबई, बंगाल। लेकिन हेड कौन चल रहा है, हेड जिसके हाथ में सारी सत्ता मिलेगी वो कौन, वो बंगाल में बैठेगा। तो बंबई और मद्रास के दोनों लोग बंगाल के अधीन हो जाएंगे और बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बोला जाएगा। इतनी सी बातें हैं, ये है रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट और भी है, उसको हम डिटेल में कर देते हैं। एक और पॉइंट इसमें है कि अब आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो ऑब्वियस सी बात है इस समय बंगाल में था कौन, वॉरेन हेस्टिंग था, क्योंकि वो गवर्नर कहला रहा था। तो उसी के पद को हटा करके उसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम कहेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हुई, समझ में आ गया सबको? ठीक है। वैसे तो रेगुलेटिंग एक पॉलिटी का पार्ट है, तो ये पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट का समझा दे रहे हैं। ठीक है, कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है। पहला पॉइंट तो यही था कि वो गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, असल में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रही थी, क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हो गया था और ये जीत गए थे, और बंगाल बक्सर का जब युद्ध ये जीत गए थे, तो ये लोग थोड़े से अपने आप को काफी निरंकुश टाइप का समझने लगे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस पर नियंत्रण बनाना बहुत जरूरी हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटेन की संसद है, तो ब्रिटेन की संसद ने ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसमें कंपनी के लिए कुछ नियम बना दिए गए कि आप इस नियम के तहत ही काम करेंगे, तभी ये चीजें की जा रही हैं। ठीक है, तो उनको नियंत्रित करने के लिए कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस समय है भारत में, इसके जो राजनैतिक व्यापारिक जो भी काम है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ नियम लगाए गए जिसके तहत कंपनी को काम करना था। पहला पॉइंट आपको उन्होंने समझा दिया कि इन्होंने गवर्नर जनरल का किया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा पॉइंट आप समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, तो हम रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ पॉइंट समझा देते हैं। ठीक है, यहीं पर तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चीजें की गई, एक पहला तो हमने आपको बता दिया, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, 1773 में पास हुआ है ये, 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये इसी के तहत बनाया गया। दूसरा, और इसी में एक और पॉइंट की गई थी, इसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। तो समझिए इसको, फार्मिंग सिस्टम वॉरेन से संबंधित है। अरे अभी नीति आएगी भाई, घेरे की नीति है, वो सब आती है उसमें। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की परिषद। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर ये परिषद में तीन सदस्य हो जाएंगे। अभी एक और एक्ट पास होगा और ये चार सदस्यों को, एक सदस्य को हटा दिया जाएगा और वो तीन सदस्यों की टीम बन जाएगी। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और इसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक परिषद बना दी गई। और इसमें वो सब चीजें तो क्लियर हो गई क्या, कि जो पॉइंट वो जो ऊपर बताए हमने, मद्रास, बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए,
सिंपल से पास, तो ये उसके अधीन आ गए, ठीक है। अब ये बंगाल वाला ही कंट्रोल करेगा, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे, अन्य तीन न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइव। लिखो जरा इसे, फिर हम पॉइंट बताते हैं आपको। हो गया कंप्लीट। देखिए हम रेगुलेटिंग एक्ट के पॉइंट बता रहे हैं आपको, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये, और क्योंकि ध्यान रखना है क्योंकि ये वारेन हेस्टिंग के समय हुआ है, तो पहला तो आपने समझ लिया कि जो गवर्नर है बंगाल का वो गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये पहला सुप्रीम कोर्ट जो बना है आपका, पहले कलकत्ता में ही बना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले कलकत्ता में ही हुई है। तो ये किसके समय में हुई है? वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई है। और किस एक्ट से हुई है? तो रेगुलेटिंग एक्ट से हुई है। तो 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी तो इसमें एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो रखना पड़ेगा। तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और तीन उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश बनाए गए। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए वो एलिजा इम्पे, जो कोलकाता में स्थापित हुआ। और इसकी सहायता के लिए तीन अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। तो आप भले ये 3 सदस्य ना याद रखिए जो न्यायाधीश है, लेकिन एलिजा इम्पे को याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है जो मुख्य न्यायाधीश है उसके, ठीक है। 1774 में एक और पॉइंट जो इस रेगुलेटिंग एक्ट में है, चौथा, वो ये है कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने व भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के क्या करते थे ये लोग? अपने प्राइवेट तरीके से चीजों को चलाने लगे थे। मतलब क्योंकि अधिकारी आता था तो उसके पास पावर होती थी, उसके पास पावर होती थी तो वो अपना खुद व्यापार चालू कर दिया। कंपनी का तो व्यापार चल ही रहा है, अपना भी कर रहा है, तो ज्यादा ध्यान किस पे देगा? अपने व्यापार पे।
कंपनी का फायदा होगा, उस तरह वो सोच रहा है कि मैं भी अपना कर लूं। तो एक ये चीज प्रतिबंधित कर दी कि आप खुद के व्यापार अब नहीं करेंगे, आप कंपनी के हिसाब से चलेंगे। दूसरा, रिश्वत नहीं लेंगे किसी भारतीय से, कि मतलब आप उससे रिश्वत लेकर के और उसके काम कर दे रहे। तो ये भी एक पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट में डाल दिया गया, ठीक है, इसका ध्यान रखा गया कि इसका बहुत तरीके से फॉलो हो, ठीक है। अब कितना हुआ वो अलग बात है, लेकिन इसमें नियम बनाया गया। आप जानते हो कि नियम बनते हैं केवल, ये तो आप भी समझते हो, उसका तोड़ कहीं ना कहीं से निकाल ही लिया जाता है। तो बस केवल हमको नियम पढ़ने के भी क्या बनाए गए, तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये पॉइंट्स थे, ठीक है। एक और पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हो गया। इसे भारत में राजस्व, सैन्य मामले, नागरिक की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया। देखो, हम तुमको डिटेल में पढ़ा रहे, हम चाहते तो इसको शॉर्ट कर देते, बट डिटेल में पढ़ने का मतलब यह है कि आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाए ना। फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके आंसर देंगे, तो आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आस्तिक, आस्तिक जग रहे हो का तुम अभी? तुम तो सोने जा रहे थे ना? अच्छा, नींद गायब हो गई। अच्छा, चलो समझो इसको जरा, पॉइंट समझिए। यहां से हम फिर से क्लियर करते हैं, ये नोट कर लिए होंगे। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो 1772 में आपका गवर्नर बना, लेकिन हम इसे कहेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि इसके बाद गवर्नर का पद नहीं आएगा। और बंगाल में जो द्वैत शासन लगा हुआ था क्लाइव के समय, उसको इसने खत्म कर दिया। 72 में इसने एक अदालत की स्थापना की, जो आज की डेट में जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। 1773 में एक एक्ट आया जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। किसने चालू किया? ब्रिटिश सरकार ने चालू किया। देखो, ये एक्ट चालू करने का मतलब क्या था, एक शॉर्ट में समझो। जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन में बैठी है, कंपनी भारत में काम कर रही है। अब कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि वो कोई जानकारी वहां भेज नहीं रही, ये अपने मनमाने ढंग से चीजों को चला रहे हैं। तो अब कोई तो एक केंद्र लेवल पर हो, जिससे कि मतलब उसको ब्रिटेन में पता चलता रहे कि भैया भारत में क्या चल रहा है। अब हर बार किसी को भेजता थोड़ा रहेगा वहां से कि जाओ जानकारी लेके आओ, छोटी मोटी दूरी तो है नहीं। तो कुछ तो उसे करना पड़ेगा जिससे कंपनी यहाँ पे जो काम करे उस काम की जानकारी ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार को मालूम चल जाए। इसके लिए उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए थे, वो जो वहां संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो उसने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय किए, और कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जानकारी देती थी, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानकारी देते थे सरकार को। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया उन्होंने, जो सीधा सीधा कंपनी के मामलों को देखेगी और उसकी जानकारी वो सरकार को दे देगी, ठीक है। ये इस तरह से किया गया। तो हम इसको कहेंगे कि एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अगर हम इसका रिजल्ट बताएं कि रेगुलेटिंग एक्ट का रिजल्ट क्या है,
तो इसका रिजल्ट ये है कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई है। अभी तक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत नहीं हुई है ब्रिटेन में, लेकिन अब केंद्रीय प्रशासन मतलब सेंटर में वहां वो बैठे हुए हैं और वो कहीं से भी बैठे हुए लोगों को संचालित कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमारा केंद्र सरकार है, तो दिल्ली में केंद्र सरकार है, प्राइम मिनिस्टर, तो अब उनको हर राज्य में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर राज्य में सीएम बैठे हुए हैं, हर राज्य में राज्यपाल हैं और भाई कई लोग हैं। तो अगर उनको जानकारी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो जो राज्य के मुखिया होंगे वो राज्य के मुखिया से सीधी जानकारी ले लेंगे कैसा क्या चल रहा है। और उनका खुद का मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद जो बने हुए हैं वो मंत्रिपरिषद उनको सहायता करेंगे, मंत्रिपरिषद अपने अपने डिपार्टमेंट की जानकारी इकट्ठा करेंगे और पीएम को बता देंगे। तो ये केंद्रीय प्रशासन बोला जाता है। तो आप ये देखिए कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ चुकी है कब, रेगुलेटिंग एक्ट से। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया है तो इसी समय एक सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब ये एक पॉइंट है। तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी कि चलो भैया तुम्हारी हेल्प करेंगे। मद्रास और बंबई के जो 2 अलग अलग गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के अधीन आ गए वो। और इसी के बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, ये पॉइंट याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा हाइम थे, और 3 अन्य बने, ठीक है, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट, जो अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक और पॉइंट था कि कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी भारतीय से रिश्वत ना लें तो ही बेटर रहेगा, और अपना खुद का व्यापार आप ना करें, कंपनी के हित में सोचें। और लास्ट में वही जो हमने आपसे बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठेंगे, या ब्रिटेन में बैठेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी से इंफॉर्मेशन लेंगे और कंपनी से इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रिटेन की सरकार को देंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया और इसकी मदद से उसको हर चीज वो पता चलने लग गई जो कंपनी करती थी, जैसे राजस्व, टैक्स संबंधी, कंपनी कितना टैक्स ले रही है, कहाँ टैक्स लागू कर रही है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानकारी देनी थी और वो डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार को देंगे। सैन्य मामले, सेना के मामले में क्या चल रहा है, आपने अपनी खुद की सेना रख रखी है या आप सेंट्रल लेवल पे आप चला रहे हैं, सरकार को मान रहे या नहीं मान रहे। नागरिकों की जानकारी, जिस जगह आप रह रहे हैं वहां पे जो नागरिक है उनके बारे में डिटेल आपको देना, ये सब चीज ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया, ये रेगुलेटिंग एक्ट से ही हुआ। बात समझ में आ रही है सबको, इतनी सारी बातें, ठीक है। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप जरा उस क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा जल्दी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत किस एक्ट से हुई, भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत किस एक्ट से हुई। आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वेरी गुड, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया क्या था, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एवरीवन, ठीक है। चलिए वापस आते हैं वॉरेन हेस्टिंग पर। तो वॉरेन हेस्टिंग की ये बातें चल रही थी, अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, नंद कुमार, अभियोग लगाकर फांसी दे दी गई,
इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। नंद कुमार एक ब्राह्मण ने वॉरिंग हेस्टिंग्स पर मुन्नी बेगम से ₹3,50,000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। प्रशासन, नौकरशाही। हाँ, नौकरशाही अभी प्रकाश, लेकिन अभी भारत में उस तरह से नहीं है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वहां बैठे हैं ना, अभी आगे चल करके कलेक्टर वगैरह आएंगे, कलेक्टर का पद अभी आएगा आगे चल। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। एक ब्राह्मण है नंद कुमार, ठीक है, तो नंद कुमार ने क्या किया था कि वॉरेन हेस्टिंग पर, नंद कुमार एक ब्राह्मण था, इसने वॉरेन हेस्टिंग पर एक आरोप लगा दिया था कि वॉरेन हेस्टिंग है वो क्या कर रहा है कि रिश्वत ले रहा है असल, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा कि रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बट नंद कुमार ने इसी समय वॉरेन हेस्टिंग पर एक आरोप लगाया कि मुन्नी बेगम, ये मीर जाफर की पत्नी थी मुन्नी बेगम, तो मीर जाफर की पत्नी से इसने ₹3,50,000 लिए वॉरेन हेस्टिंग ने, ये नंद कुमार ने बोला जो ब्राह्मण था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो ये वॉरेन हेस्टिंग था, ये मतलब बहुत नाराज था इस चीज से, तो इसने इसके ऊपर कुछ गलत चीजें करके इस पे अभियोग लगा दिया कि मतलब ये ऐसे कह सकते हो, हम किसी से अगर परेशान हो जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कानूनी दाव पेच में हम उसको फंसा करके और सीधा सा उसको कुछ सजा दिलवा दे, तो इसने अभियोग लगा करके उसको फांसी दिलवा दी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, क्योंकि वो उसके खिलाफ जा रहा था। तो एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है बस वो ये बनता है कि जो न्यायिक हत्या है ये क्या था, क्वेश्चन इससे बनता है कि ये न्यायिक हत्या क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायिक हत्या था कि एक नंद कुमार ब्राह्मण था, उसको अभियोग लगाकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने फांसी दिलवा दी थी, ये है एक पॉइंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, कि रिश्वत का आरोप लगा दिया था जिसकी वजह से वो उसे नाराज चल रहा था और उसने उस पर फांसी लगवा दिया, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है। 1781 में मुस्लिम सुधार के लिए कलकत्ता में लीजिए पहला मदरसा बन गया, तो पहला जो मदरसा बना है वो इसी समय बना है, जो फर्स्ट मदरसा बना है वो इसी समय बना है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग ही इस समय चल रहा है और वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम सुधार के लिए 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कर दी। तो ये रहा प्रथम मदरसा की स्थापना जो आपके अंग्रेज ने
कलकत्ता में शुरू कर दी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सत्रह सौ पचहत्तर से बयासी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तथा 1782 में सालबाई की संधि। तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, ठीक है। हम यहां उसकी केवल बात कर रहे हैं जो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ है। तो आंग्ल मराठा युद्ध को टोटल तीन हुए हैं अंग्रेज और मराठाओं के बीच। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ है, और ये कब से कब चला है तो 75 से 82 तक ये युद्ध चला है। और ये खत्म कैसे हुआ है तो सालबाई की संधि से खत्म हुआ है। और ये सालबाई की संधि कब हुई है, 82 में हुई है। ये इसका पूरा डिटेल है वैसे तो, आप ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को अगर समझना है तो हम इसको डिटेल में बता देंगे आपको, बट फिर वही 10 मिनट का टाइम इसके समझाने में लगेगा, क्लियर। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स वॉरेन हेस्टिंग को बता देते हैं, फिर समय रहेगा तो हम इसके आंग्ल मराठा युद्ध आपको क्लियर कर देंगे अभी। तो टोटल तीन युद्ध हुए हैं, अलग अलग समय में होंगे। जैसे पहला अभी होगा, दूसरा 1803 में होगा, 1803 से 1805, लगभग 20 साल के बाद। तो 75 के बाद वो लगभग 20 साल के बाद आपका वो दूसरा होगा, फिर आगे चलकर एक तीसरा होगा, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हम डिटेल में अभी कर देंगे। और खत्म किससे हुआ है तो सालबाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय गवर्नर जनरल की, वॉरेन हेस्टिंग की, तो हम उसके लिए पॉइंट्स लिख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है इसके समय। अगला पॉइंट लिखिए, 1781 में का अधिनियम। इसके समय में बहुत सारे काम हुए हैं, ठीक है। असल में जब वॉरेन हेस्टिंग है ना तो इसके समय में बहुत सारे काम हुए हैं। अच्छा, ये जो 1781 का अधिनियम है ये भी पॉलिटी का पार्ट है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जैसे आपने देखा कि 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, तो उसके बाद ये कुछ उसमें कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसका ये लोग फायदा उठा रहे थे, और बहुत सारी दिक्कतें बढ़ गई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एक्ट और पास किया गया। तो इसको कोई नया एक्ट का नाम नहीं दिया गया, बस एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट में दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है। क्या था इसका मतलब तो ये समझना कि क्यों ये लाया गया, बस एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा है। इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल काउंसिल का मतलब परिषद होता है, एवं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया,
ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पॉलिटी में भी जब आप पढ़ेंगे तो इस सेटलमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, 1781 का अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, ठीक है, इसको नोट करो फिर बता रहे। यहाँ पे जो उच्च न्यायालय लिखा है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्चतम लिखना चाहिए था, ठीक है। ये एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वो जो बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय मतलब। देखो दिक्कतें आ रही थी, असल में क्या दिक्कत आ रही थी कि इस समय गवर्नर जनरल भी बैठा हुआ है और गवर्नर जनरल के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हो गई है। दिक्कतें जानते हो कहाँ होती है, अगर आप पॉलिटी को समझे ठीक से। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ बिल पास करना है या समथिंग, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, अब गवर्नमेंट कुछ और चाह रही होगी, जैसे अपना अगर यहीं पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तब तक कोई एक पिटीशन फाइल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये सही नहीं है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, ऐसा होता है, जैसे चल भी रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो उससे सहमत नहीं होगा, तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देगा केस कि भैया सब गड़बड़ चल रही है, आप कृपया इसमें हस्तक्षेप करें। ये दिक्कतें शुरू हो गई। गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग है बंगाल में, उसको भी अधिकार दे दिए गए थे, और अगले ही उसमें 74 में सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो जो उच्चतम न्यायालय है उसका एक मुख्य न्यायाधीश भी है। तो अब इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसका माने, कहीं ना कहीं इन लोगों में टकराव शुरू हो गया था, और बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के बारे में वहां डिस्क्राइब नहीं थे कहां पर रेगुलेटिंग एक्ट में। तो एक और इन्होंने सेटलमेंट किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको संशोधन भी कहा जाता है, और कुछ चीजें डिसाइड कर दी कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप इस मामले में नहीं आएंगे, इस मामले में केवल गवर्नर जनरल रहेगा, उसी के जो आदेश होंगे माने जाएंगे। ये कुछ चीजें इस सेटलमेंट में बताई गई, ठीक है। तो एक तो ये रहा कि जो गवर्नर जनरल है, जो वॉरेन हेस्टिंग है, और जो उसकी काउंसिल है, जो 4 सदस्य हैं उसके, और कलकत्ता उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मध्य शक्तियों का यही गड़बड़ हो रही थी। तो इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आप किसमें हस्तक्षेप करेंगे किसमें नहीं करेंगे, यही इस सेटलमेंट में बताया गया है केवल, ठीक है। और इसको अगर समझना है तो एक पॉइंट और हम बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाए। वो पॉइंट ये था कि सर्वोच्च न्यायालय राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया, ये पॉइंट समझिएगा जरा। अगर ये समझ गए तो ये क्लियर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। देखो हम यहीं पर डिटेल बता दे रहे हैं आपको, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं। आप अगर ये सोचो कि हम हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं तो हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कम बता रहे, नहीं, पूरा डिटेल हम यहीं पर दे दे रहे हैं। देखो आप जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर मदरसा क्या है, तुम लोग यार कसम से ऐसे ऐसे बैठे हैं कि हम क्या बताएं इनको।
ठीक है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो हम दोनों पॉइंट समझा दे रहे हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय का ही चल रहा है। कलकत्ता की सरकार का मतलब कि कलकत्ता की सरकार मतलब गवर्नर जनरल, कलकत्ता की सरकार मतलब गवर्नर जनरल की बात होगी। ठीक है हर्षवर्धन सर, क्वेश्चन पहले का पूछे। अच्छा हम अभी देखे हैं मदरसा वाला जो तुमने पूछा, चलो हम उस समय देखे ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, तो समझिए 2 मिनट हम और क्लियर कर दे रहे हैं जिससे आपको अभी याद हो जाए। जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया है उसमें गवर्नर जनरल का एक पोस्ट लाया गया है और उसकी एक परिषद लाई गई है 4 सदस्यों की। इसको अधिकार दिए गए हैं कई सारे कि आप बंगाल को भी संभालिए, जो भी बंबई के गवर्नर हैं, जो मद्रास के गवर्नर है वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके अधीन आएंगे। लेकिन गड़बड़ एक और की इन्होंने, कि इन्होंने बना दी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। और जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना दी तो अब इन लोगों में टकराव शुरू हो गया, क्योंकि ये डिफाइन नहीं था कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किन मामलों में है देखेगा। ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया था रेगुलेटिंग एक्ट में, तो वो किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इससे वॉरेन हेस्टिंग परेशान हो गया, जो गवर्नर जनरल है वो कहता है कि ये हमारे इन मामलों में भी दखल दे रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया कि इन दोनों के बीच कुछ सेटलमेंट हो जाए, ये लोग लड़े झगड़े ना। तो आप देखिए हुआ क्या, जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग और जो उसकी परिषद है उसको सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया, मतलब अब वो फ्री हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया इसमें जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग और जो उसकी परिषद है उसको सुप्रीम कोर्ट से मुक्त रखा गया कि आप इनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसको हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? राजस्व की अधिकारिता। देखो राजस्व की अधिकारिता मतलब ये वाला पॉइंट जो सर्वोच्च न्यायालय वाला है, कि इसकी जो राजस्व अधिकारिता है इसको समाप्त कर दिया गया, टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये पूरा अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को रहेगा, मतलब कहने का वॉरेन हेस्टिंग के पास रहेगा। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें जो इस समय हुई इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, पहली कि राजस्व अधिकारिता का जो ताकत था वो सुप्रीम कोर्ट का खत्म करके ये गवर्नर जनरल के पास रखा गया, दूसरा जो गवर्नर जनरल और काउंसिल है उसको सुप्रीम कोर्ट से मुक्त रखा गया कि वो उनके मामलों में हस्तक्षेप ना करे। इस तरह से इन लोगों के बीच जो लड़ाई चल रही थी या जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको सेटल कर दिया गया, इसलिए इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो दो लोगों के बीच को सेटल किया गया है। आई होप ये क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर है सबको, ध्यान रखिएगा। तो ये बस उसी का एक नतीजा था जो हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो बीच में आ गया कुछ पॉइंट्स जो वॉरेन हेस्टिंग के समय तो हमने डिफाइन कर दिया, अब आगे क्या हुआ तो समझना। 1780 से 84, देखिए वॉरेन हेस्टिंग कब तक है बताओ, वॉरेन हेस्टिंग कब तक है? 85 तक है, 85 तक है, ठीक है ना, तो उसके पहले तक ये सब चल रहा है। तो 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हम बता चुके हैं, वह मंगलौर की संधि। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं जल्दी, सब लोग देंगे, पंकज नवीन अनुज जितने लोग हैं सब लोग आंसर देंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों की तरफ से, यह हम बता चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर आपको देना है, नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट, हिमते हेस्टिंग। हेस्टिंग तो गवर्नर जनरल है भाई, नेतृत्व सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट सही आंसर है, जो लोग आयरकूट दे रहे वो सही आंसर है। और इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, पता है ना, पोर्टोनोवा का युद्ध होगा और उसके बाद
हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस समय जो गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग था, हेस्टिंग ही था, ठीक है। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट, 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अगेन अब देखो जरा कितने सारे पॉइंट हो रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग के लिए। जब पॉलिटी शुरू होगी तो ये सब बताया जाएगा, ये शुरुआत का है, यहीं से स्टार्ट ही होता है। जब पॉलिटी स्टार्ट होती है तो ये सारे एक्ट से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरा एक्ट आ गया इसके, दो एक्ट है, एक तो एक्ट था रेगुलेटिंग, दूसरा तो सेटलमेंट था। अब तीसरा पॉइंट अगर देखे या दूसरा एक्ट समझे तो 84 में एक और एक्ट आ गया है वॉरेन हेस्टिंग के समय, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो इसके समय में आया है। इसके अनुसार परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। यही वो एक्ट है जिसमें 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। अब सदस्य 3 रहेंगे केवल, और अभी हम इसकी बात किए थे कि किस में 3 रहेंगे। कंपनी के कामों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला राजनैतिक और दूसरा व्यापारिक। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के दोनों काम बदल दिए गए, पहला राजनैतिक काम और एक व्यापारिक काम, दोनों अलग अलग कर दिया गया। अलग इसका मतलब समझो, जो गवर्नेंस चलानी है, राजनैतिक का मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब जो गवर्नर जनरल है, जो मिनिस्टर बनाने हैं और जो शासन करना है, ये जो काम है वो एक काउंसिल को दे दिया गया और उस काउंसिल को बोला गया बोर्ड ऑफ काउंसिल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनैतिक कामों को देखने लगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक और बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक काम देख रहा था। मतलब दोनों बदल गया। अब जो व्यापार देख रहा है तो व्यापार को ही देखेगा, जो गवर्नेंस से रिलेटेड होगा राजनैतिक को, राजनैतिक को देखेगा। तो इस तरह से कामों को बांट दिया गया जिससे आसानी हो जाए। तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है, कहाँ की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। उसको जब जब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें बढ़ रही हैं तो वो ये चीजें ला रहे हैं। और ये अब ये लास्ट तक आप देखेंगे, जब तक भारत आजाद होगा तब तक ये चेंज करते ही रहेंगे, जिस तरह से कि हम इस पे पूरी तरह से शासन कर सके। तो इनको जो जो समझ में आएगा ये वहां से बदलते रहेंगे उसे। तो यही पे पिट्स इंडिया एक्ट ये लोग लेके आए। और इसमें जो कंपनी के जो काम थे, अभी तक कंपनी सब कर रही थी, तो कंपनी के कामों को दो तरीके से बांट दिया गया कि कौन किसको कंट्रोल करेगा। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो राजनीतिक कामों को देखने लगा, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए वो व्यापारिक कामों को देखने लगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके पिट्स इंडिया एक्ट में, ये ध्यान रखना है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कामों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उसके काम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जरा जल्दी से बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन समझिए जरा। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की पदों की संख्या, जो गवर्नर जनरल के
काउंसिल की संख्या है सदस्यों की वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई, कौन सी? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनैतिक व व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनैतिक व व्यापारिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया? अगेन आंसर यही है, पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध, ये थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसका। अरे नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट है आंसर। अभी लिखा तो थर्ड पॉइंट, ये देखो ना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 3 पॉइंट है इसके, आप लोग कंफ्यूज हो गए। रिश्वत लेने पे प्रतिबंध लगाया था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये लोग अब समझो जरा, हमने कहा ना कि जब नियम बनेंगे तो इसका तोड़ निकाल लिया जाएगा, तो जब उसमें उन्होंने प्रतिबंध लगाया रिश्वत लेने पर, तो अब ये लोग क्या नाम दे दिए इसके अधिकारी, हम उपहार ले रहे हैं, ये हमको खुशी से दे रहा है, मतलब समझो जरा, ये हर जगह किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ निकाल ही लिया जाता है इसको। तो जब वो रिश्वत पे कर किया तो ये लोग उपहार लेने लग गए, कंपनी ने कहा कि ये सब फिर गड़बड़ कर रहे हैं, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया तो उन्होंने कहा उपहार भी नहीं लोगे, अब उपहार पे भी प्रतिबंध लगा दिया। ये देखो आगे चल के फिर ये गड़बड़ करेंगे, फिर चार्टर एक्ट आएंगे, तो फिर वो आगे चल करके फिर वो चार्टर एक्ट शुरू होंगे, 1813 में चालू होगा, फिर एक 1793 के आसपास चालू होगा, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये तोड़ निकालते रहेंगे, गवर्नमेंट वहां से कुछ भेजती रहेगी, तो ये इस तरह से चीजें होती रहेगी। अलग अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग है भैया, एक मत समझना। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते, नहीं तो फिर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट आता जा रहा है, इसलिए हमको डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। वॉरेन हेस्टिंग पता नहीं कहाँ से गवर्नर जनरल बन के आ गया है, तो ढेर सारे काम इसने मतलब इसके समय में हो गए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, 1784 में विलियम जोन्स, ये एक अंग्रेज है, द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, कलेक्टर के पद का प्रारंभ, राजस्व को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया।
देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई। तो ये सारे पॉइंट वॉरेन हेस्टिंग के लिए बहुत डिटेल में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। जो भी इसके पॉइंट थे वो काफी सारे हमने बता दिए। देखो ये कभी कभी पूछ लेता है इसलिए बता दिया। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है, ठीक है। वहां पर कलेक्टर के पद का प्रारंभ, ये कलेक्टर का पद शुरू हो गया, तो कलेक्टर के पद का प्रारंभ वॉरेन हेस्टिंग के समय स्टार्ट हो गया। कलेक्टर का मतलब समझिए कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला। तो जब ये पद शुरू किया गया था, जो आज का कलेक्टर आप समझते हैं, तो उस समय जो कलेक्टर का पद स्टार्ट किया गया था, तो वो एक काम उसको था राजस्व इकट्ठा करना। वो टैक्स कलेक्शन के लिए बनाया गया था कि जो अलग अलग टैक्स है उसको इकट्ठा करना हो, तो इसीलिए उसको कलेक्टर कहा जाता था कि जो भी राजस्व को इकट्ठा करेगा वो कलेक्टर है। तो कलेक्टर के पद का प्रारंभ किया और राजस्व को कलेक्ट करने वाला। आगे चलकर कलेक्टर को और अधिकार दे दिए जाएंगे, तो राजस्व के अलावा इसको राजनीतिक मतलब एक वो जिस जिले का बनाया जाएगा या जिस जगह का बनाया जाएगा, तो वहां से वो बहुत सारी चीजें देखने लग जाएगा। जो आज का आपको पद दिख रहा है कि कलेक्टर पूरा जिले का एक सर्वे सर्वा टाइप का है, कि काफी चीजें वो देखता है, तो पहले वो एक राजस्व के काम के लिए बनाया गया था कि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करे केवल, इसीलिए वो कलेक्टर का नाम आया था, कलेक्ट करने वाला, ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझिए कि देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये घेरे की नीति, कि घेरे की नीति किसने शुरू की थी। आगे चलकर कुछ नियम आएंगे, अभी सहायक संधि आएगी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आएगा, राज्य हड़पने की नीति, और उसमें से एक ये है घेरे की नीति। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखते हैं, अलग अलग समय में होंगे। तो एक घेरे की नीति है, एक है आपकी राज्य हड़पने की नीति जो डलहौजी वगैरह आ जाएगा जब, और एक है आपकी सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजली की है। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम घेरे की नीति समझा दें कि ये क्या था जो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। तो इसको कैसे समझोगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि ये क्या था पॉइंट। एक हम घेरा बनाते हैं, सपोज ये, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और इस घेरे में कई सारे राज्य हैं, मतलब इसमें मराठा भी है, निजाम भी है, ठीक है, और अलग राज्य हैं, और भी राज्य हैं, ठीक है, ढेर सारे राज्य, और अंग्रेज हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग कर रहा है, ये बहुत चालबाजी कर रहा है, ये मतलब अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लालच दे रहा है वहां के शासकों को। साढ़े 12 से 1 PM का नोट्स दिखा दीजिए। अब हमें कहां से पता कि 12:30 बजे हम कहा पढ़ा रहे थे। तुम लोग यार कसम से कैसे कैसे कहाँ गए थे पंकज, देखो खे हो तुम बिल्कुल सो गया था, देखो हद की है भाई, कसम से एकदम खत्म हो गए हैं सब। तो मराठा, निजाम और राज्य। अब देखो इधर बाहर अंग्रेज है, समझना, अगर समझोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम इतने दूर का जो क्षेत्र है, जैसे मान लो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, मैसूर का क्षेत्र है, ठीक
मद्रास का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, हम इसकी एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं, मतलब इसको हम अपने घेरे में ले रहे हैं। अपने घेरे का मतलब कोई बाउंड्री नहीं खींच रहे हैं, लेकिन मतलब हम इसको सुरक्षा देंगे, इस पूरे राज्य को हम सुरक्षा देंगे। ये अंग्रेज कह रहा है, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये कह रहा है कि मैं आप लोग को सुरक्षा दूंगा। किससे सुरक्षा दूंगा? बाहर से अगर कोई आक्रमण करता है, बाहर से कोई विदेशी आकर के अगर आक्रमण करता है, ठीक है, अगर विदेशी आक्रमण आपके ऊपर आक्रमण हुआ, ठीक है, विदेशी मतलब कौन? कोई और, फ्रांसीसी आ गए, सपोज फ्रांसीसी ने आकर अटैक कर दिया, या कोई और राजा आ गया जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो मैं अंग्रेज जो मेरी सेना है वो एक ढाल बनकर बीच में आ जाएगी। मतलब समझिए क्या कह रहे हैं ये अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। किन से? यहाँ के देसी रियासतों के राजा से, मतलब मराठों से कह रहे हैं, जो निजाम हैदराबाद में उनसे कह रहे हैं, जो मैसूर में है उनसे कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। और हम क्या करेंगे कि अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है, कोई दूसरा राजा आपके ऊपर अगर आक्रमण करता है, तो हम आपको बचाएंगे, हम अपनी सेना वहां लगा देंगे और वो आपको उनके आक्रमण से बचा लेगी। लेकिन एक शर्त है, यही है मेन शर्त। क्या है? हम बचाएंगे तो, लेकिन एक शर्त है। वो कहते हैं भाई क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि लड़ाई में जो भी खर्च होगा और जो सेना की जो जरूरत होगी, जो हथियार चाहिए होंगे, उसका सब खर्च तुम लोग वहन करोगे। हम सहायता तो, आप एक बात बताओ, तुम सहायता तो दोगे लेकिन सारा खर्च उस राज्य को ही उठाना है। मतलब समझ गए? अब एक लड़ाई में कितना खर्च होने वाला है ये तो आप जान ही रहे हो। तो ये कूटनीतिक चाल थी इनकी। इस तरह से एक प्रकार से इनका धीरे धीरे अधिकार होने लगेगा। अभी तो नहीं होगा, लेकिन इन चीजों को समझा जाता है कि आगे चल के जो 10-15 साल हैं, इसका एक समझ में आएगा ये आगे, और इसी का आगे बढ़कर के सहायक संधि में बदल जाएगा। ये जो अभी घेरे की नीति चल रही है, वेले जली जब आएगा, लॉर्ड वेले जली, तो वे इसको बदल करके एक सहायक संधि लगा देगा। और सहायक संधि से वो क्या करने लग जाएगा कि सेना रखवाने लग जाएगा। अभी तक अंग्रेज सेना को रख रहे हैं, बट खर्च जो है वो देसी रियासतों से उठा रहा है। लेकिन जब वेले जली आएगा तो वो क्या करेगा कि वो ये कहेगा कि हमारी एक अंग्रेज की सेना की टुकड़ी तुम खुद अपने पास रखो निजाम के लिए, और उसका पूरा खर्च वर्च वहन करिए। ये बढ़ता जाएगा और आगे चलकर इसका दूरगामी प्रभाव होगा। राज्य हड़पने की नीति जब डलहौजी आ जाएगा, तो ये कोई सोचता नहीं है, 40-50 साल का कोई किसी ने सोचा नहीं, लेकिन इसी का प्रभाव देखने को मिलेगा 40-50 साल बाद। तो अगर आज किसी से आप किसी चीज के बारे में बोलोगे ना, तो कहेगा कि क्या बेवकूफी की बातें आप कर रहे हो। कुछ भी समझाओ किसी को तो कहेगा कि पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, ये कह रहा है कि 40 साल बाद ऐसा होगा। इतनी दूर का कोई नहीं सोचेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो राज्य हड़पने की नीति है, इसके बीज जो है वो यहीं से पढ़ने शुरू हो गए हैं, घेरे की नीति से। इसी का व्यापक असर पड़ेगा सहायक संधि में, जब सेना खुद ये लोग उसके राज्य में रखने लग जाएंगे। फिर उसी का असर आएगा आपका डलहौजी के समय, जब वो राज्य हड़पने की नीति ले आएगा और वो नए नए नियम निकालेगा। तो पहले ये शुरू होगा जिसको घेरे की नीति कहते हैं, और ये शुरू हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के समय। तो आई होप कि अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको घेरे की नीति समझ में आ गया होगा कि क्या है ना। तो अब हम इसको लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखेंगे तो फिर इसको ज्यादा डिस्क्राइब करना ज्यादा लगेगा। हमने समझा दिया कि एक्चुअल में क्या था, कि ये किसी के साथ एक समझौता करेंगे, जैसे निजामों के साथ करेंगे। तो निजामों से कहेंगे भैया हम ऐसा करते हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, मान लो कोई बाहर से आकर के आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो हम अपनी सेना आगे लगा देंगे, आप तक वो पहुंचेगा नहीं, पहले हमसे लड़ेगा। लेकिन एक शर्त है कि जो खर्च होगा वो खर्च हमको दीजिएगा, अगर हमें हथियार की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी प्रोवाइड करिएगा। ये सब चीजें चलेंगी, यही है घेरे की नीति। क्या ये कंप्लीट हुआ? और हमारी सैनिक की एक टुकड़ी राजधानी में रहेगी। हाँ वही बात है, राजधानी में आप कहाँ रखोगे? राजधानी में ही हर चीज रखी जाती है। अब तुम मिनिस्ट्री बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? दिल्ली में ना बनाओगे कि प्रयागराज में बना के उसको कंट्रोल करोगे? हैं,
ये तो अंडरस्टूड है ना कि कोई भी चीज होगी तो राजधानी में की जाएगी। तो ये कंप्लीट हुआ। अब जाके वॉरेन हेस्टिंग कंप्लीट हुआ, मतलब ये। और इसमें भी अगर और डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो भी इसके लिए बहुत सारी है। इसने कुछ अनुवाद वगैरह भी करवाया, ट्रांसलेशन वगैरह कराया, जैसे अज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया इसने। अगर ये पॉइंट अगर ध्यान रखना चाहोगे तो हम लिख देते हैं, वैसे उतना जरूरी नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है ना अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये काफी इसके लिए पॉइंट्स हो गए, मतलब वॉरेन हेस्टिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, 2 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप अभी इसको याद कर लो क्योंकि तुम लोग के पास समय वैसे नहीं मिलेगा। 2 मिनट देते हैं, जल्दी जल्दी आप इसको ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना सब लोग। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग 1772 में जब गवर्नर बना है, तो 1772 में गवर्नर बना है तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर है। और इसी के समय में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, जो द्वैत शासन लगाया गया था शाह आलम द्वितीय, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उसको इसने खत्म कर दिया। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना। तो एक प्रकार से समझ सकते हो कि आज का जो जिला और सत्र न्यायालय है, इसका मतलब ये बन चुका था लेकिन उसका नाम अलग था, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, अब 1773 से 1785 का कार्यकाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय ये गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, और 1773 में एक एक्ट आएगा जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे, जिससे बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन जाएगा। और पहला गवर्नर जनरल किसको बोला जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग को बोला जाएगा। इस एक्ट से जो बंबई और मद्रास के गवर्नर है वो बंगाल के अधीन आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट, सिंपल। फिर 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाएगी कलकत्ता में, और उसी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा जो एलिजा इम्फे है, और जो 3 अन्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। जैसे आज की डेट में देखो तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश के बाद कई सारे अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो उस समय जब शुरू हुआ था तो वो एक मुख्य था और 3 अन्य थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो व्यापार करने व रिश्वत लेने पे प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। ध्यान रखिएगा, व्यापार और रिश्वत उपहार नहीं, उपहार किट्स इंडिया एक्ट में है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका वहां बैठ रहा है लंदन, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया और वो कंट्रोल करेगा कंपनी के ऊपर, और सारी जानकारी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो पहुंचाएंगे किसके पास? ब्रिटिश सरकार के पास। ठीक है, और यही वो एक्ट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया कि केंद्रीय प्रशासन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से मानी जाती है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से ही मानी जाती है, जब इंग्लैंड में बैठे बैठे वो यहाँ पे शासन करना शुरू करेंगे, बट पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से शासन तो तब होगा जब 1857 की क्रांति के बाद, जब विक्टोरिया रानी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगी, ठीक है, और वायसराय के पद शुरू हो जाएंगे, तब ये पूरा कंट्रोल जाएगा वहां पर ब्रिटेन में। ठीक है, एक न्यायिक हत्या वाला जो केस था उसको भी ध्यान रखना है। न्यायिक हत्या का जो केस था, नंद कुमार नाम के ब्राह्मण थे, जब मीर जाफर मर गया था तो उसकी एक पत्नी थी जो, ठीक है, तो उसकी पत्नी जो बेगम थी, कौन सी बेगम थी? मुन्नी बेगम। तो उन्होंने उनसे रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था, तो इससे वो नाराज हुआ था और उसको अभियोग लगा, फांसी दिलवा दी थी। ये एक न्यायिक हत्या कहा जाता है, जो कानूनी तरीके से दाव पेच खेलकर उसको गलत तरीके से फांसी दिलवा दी गई। ठीक है, पहले मदरसा की स्थापना हो गई कलकत्ता में। ठीक है, और ये 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। चलो कोशिश करेंगे हम तीनों युद्ध आपको एक साथ समझा देंगे। आंग्ल मराठा युद्ध जो पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा युद्ध हुआ है, ये बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। इसमें मराठा जो है, अगर आप हम थोड़ा सा बताएं तो बाजीराव प्रथम, शायद आप मूवी देखे होंगे, है ना, बाजीराव प्रथम देखे हो ना सब लोग, बाजीराव मस्तान, बाजीराव फिर वो कौन आती है, मस्तानी आती है। तो बाजीराव जो प्रथम मर जाएंगे,
तो बाजीराव प्रथम जब मर जाते हैं तो उनका एक बेटा रहता है बालाजी बाजीराव, और एक रघुनाथ राव रहता है, दो रहते हैं। तो रघुनाथ राव जो रहता है, रागोबा भी उसका नाम है, तो बालाजी बाजीराव प्रथम के जो पुत्र हैं बालाजी बाजीराव, तो उनका पुत्र होता है माधव राव। माधव राव तो उनको पेशवा बनाया गया होता है, तो माधव राव पेशवा बन जाते हैं। और देखो अब हम डिटेल बताएंगे तो पूरा डिटेल हो जाएगा, हम थोड़ा सा बस समझा दे रहे हैं कि बाजीराव प्रथम जो जब पेशवा बने हैं तो बाजीराव प्रथम के दो पुत्र हैं, एक पुत्र है बालाजी बाजीराव और एक पुत्र है उनका राघोबा, रघुनाथ राव जिसे कहा जाता है। तो जो पेशवा बनाया गया है वो बालाजी बाजीराव को बनाया गया, फिर बालाजी बाजीराव के बाद इनका पुत्र माधव राव बना है। तो माधव राव जब बने हैं तो माधव राव को बनाया गया, लेकिन उनको नहीं बनाया गया रघुनाथ राव, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और माधव राव के बाद एक अलग व्यक्ति को बना दिया गया है, माधव राव के बाद रघुनाथ राव, एक रघुनाथ नहीं नारायण राव, यही दिक्कत हुई है। और यही आंग्ल मराठा युद्ध के लिए दिक्कत शुरू हुई है अंग्रेजों और मराठों के बीच, क्योंकि रघुनाथ राव जो है वो अंग्रेजों से मिल जाएगा, वो चला जाएगा अंग्रेजों के पास, और यहाँ जो नारायण राव है जब इनको पेशवा बनाया जाएगा यहाँ एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी, और वही युद्ध होगा जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का नाम दिया जाएगा। ये काफी लंबा चलता है 75 से 82, और इस बीच में कई संधियां होंगी, पुरंदर की संधि होगी, सूरत की संधि होगी, सालबाई की संधि होगी, सालेट का होगा, बसीन की संधि, मतलब कई सारे ढेर सारे होंगे, बसीन की तो आगे चल के होगी। तो इसमें कई सारी संधियां देखने को मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट संधि कौन है, सालबाई की संधि है। सालबाई की क्यों है, क्योंकि इस संधि से ये खत्म होगा। तो ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये छोटे में कंप्लीट नहीं होगा। तो हम आपको ये तीनों जो युद्ध हैं उसको हम अलग से समझा देंगे, प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय और तृतीय, तीन युद्ध होंगे, उन तीनों को हम एक लेक्चर ले लेंगे और उसमें आपको हम तीनों कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इतना सब लोग, क्लियर। कलेक्टर के पद का प्रारंभ किसके समय में शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग, बात किसकी हो रही है, वॉरेन हेस्टिंग की हो रही है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। ठीक है, आज इतनी रखते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका था रॉबर्ट क्लाइव, उसके लिए फिर से रिवीजन कर लेना, और एक वॉरेन हेस्टिंग, इसके बाद हम आगे देखेंगे। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी एक बनेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन उसका, और वेलेजली, वेलेजली के लिए तो एक ही दो पॉइंट मेन होंगे, डलहौजी के लिए बनेगा तो उसके लिए, तो उसको हम लोग आगे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, है ना, ठीक।